धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और उनके बाद जेल में बंद पड़े कैदियों के साथ पूरे संसार से अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना का कार्य शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण संसार से दुखों को दूर करने वाले हैं और उनके माध्यम से हर प्राणी का उद्धार होता है। इसी के चलते मंडी में आर्ट ऑफ लिविंग ने मंडी के जिला कारागार में 7 दिनों के लिए भागवत कथा का आयोजन किया है ताकि जेल में बंद कैदियों को भी प्रभु सिमरन का फल मिले और उनके मन को आत्मिक शांति मिले। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और उसके बाद जेल में बंद पड़े कैदियों के साथ पूरे संसार से अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना का कार्य शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण संसार से दुखों को दूर करने वाले हैं और उनके माध्यम से हर प्राणी का उद्धार होता है। इसी के चलते मंडी में आर्ट ऑफ लिविंग ने मंडी के जिला कारागार में 7 दिनों के लिए भागवत कथा का आयोजन किया है ताकि जेल में बंद कैदियों को भी प्रभु सिमरन का फल मिले और उनके मन को आत्मिक शांति मिले। आर्ट ऑफ लिविंग के सौजन्य से और जेल प्रशासन के सहयोग से इस कथा का आयोजन जेल के अंदर किया जा रहा है। इस कथा में रोज जेल के 142 कैदी भागवत कथा का आनंद उठाएंगे। कथा को शुरू करने से पहले संस्था के द्वारा पवित्र ग्रंथ के साथ पानी के कलश भरे गए और जेल तक महिला पुरुषों के द्वारा एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत जेल के गेट पर जेल पुलिस की महिला कर्मी के द्वारा भगवान भागवत का विधिवत स्वागत किया गया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य हितेश ने बताया कि गुरु रविशंकर जी का संदेश है कि धरती पर रहने वाला हर एक प्राणी सुखी रहे। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में पहली बार मंडी जिला की जेल में कैदियों के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर जेल प्रशासन का इस अनुकंपा के लिए आभार भी व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा समय समय पर जेल में बंद कैदियों के लिए विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित शिविरों का आयोजन करवाया जाता है। इन सभी कार्यों का एक ही उद्देश्य है कि जिन लोगों से कभी कुछ गलत कार्य किए हैं तो उन्हें जीवन में एक बार सुधरने और सत्कर्मों की तरफ प्रेरित करना है। तो हम यहाँ पे जो इवेंट होना वो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जो हमें इधर मौका मिला है कि मंडी जेल में हमें भागवत कथा कराने का, जो कि इस वक्त पूरे हिमाचल में पहली बार होने जा रही है। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत ही गर्व वाला पल होगा कि हम सब सेवक जो भी वॉलंटियर इधर के हैं तो हम भागवत कथा कराने वाले हैं। इधर हम इधर रेगुलरली हर एक महीने हमारे इधर फॉलोअप चलता है, हमारे हर एक फेस्टिवल मंडी जेल में मनाए जाते हैं। हम तो हमारा यही है कि जो बाहर वाले हैं, जितने भी ऐसा लगता है कि बाहर वाले मनों के इसमें कैद हैं, अंदर ये जेलों में कैद है, बस यही फर्क है। और जो अंदर कैद हैं इधर, वो भी हमारे आपके जैसे ही हैं, वही बातें हैं उनकी, बस उस क्षण में कुछ ऐसा घटित हो गया जिसकी वजह से वो अंदर हैं। तो उन्हीं के लिए एक पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का यही संकल्प है कि हर एक व्यक्ति खुश रहे, शांत रहे। तो उसी इसको प्रेरणा को हम लेके भागवत कथा कराने का हमें मौका मिला है। यह हम थैंक्स करना चाहेंगे DGP शिमला सोमेश गोयल जी का और अनाथ भारद्वाज जी का, जिनकी वजह से हमें ये मौका मिला है इधर।